नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के जालौन में विकासखंड रामपुरा की ग्राम पंचायत कंझारी में शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह पुत्र भगवत सिंह ग्राम प्रधान के विकास कार्यों में मनमानी एवं शासन का धन दुरुपयोग करने के संबंध में संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए विभागीय जांच के अलावा उच्च अधिकारियों से जांच की कार्रवाई की मांग की गई है। उक्त शिकायतकर्ता का कहना है कि हैंडपंप रिवोर के नाम पर फर्जी रिवोर किए जा रहे हैं। इंद्रपाल सिंह पुत्र बिच्छू सिंह का हैंडपंप चालू है, लेकिन उसी के नाम पर रामलला के दरवाजे पर हैंडपंप लगाया जा रहा है। अपने निजी लोगों को फर्जी तरीके से लाभ दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूर्व में पति के नाम शौचालय बनवाया गया, पुनः उसी व्यक्ति की पत्नी के नाम शौचालय का धन निकालकर बंदरवाट कर लिया गया। ग्राम निधि द्वारा लगभग 150 मीटर नाली निर्माण कार्य कागजों में दिखाया गया, जबकि कार्यस्थल पर सिर्फ 20 मीटर निर्माण कार्य किया गया। ऐसे कई अन्य आरोपों से घेरते हुए शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। तो वही इस शिकायत को लेकर जिला अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी रामपुरा को बिंदुवार जांच कर समय से DPRO को भेजने के लिए आदेशित किया है। संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। और दाम भी आ गया तो